गाइज, आज का जो रेमेडी है गाइज वो बहुत ही पावरफुल होने वाला है, क्योंकि आज हम इसे बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में बनाने वाले हैं। तो गाइज बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, जैसे जैसे मैं आपको मेजरमेंट बता रही हूँ वैसे ही हिसाब से बनाइएगा, इसे यूज कीजिएगा, ये काफी हेल्पफुल होता है। तो गाइज सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ कि हेयर फॉल। गाइज ये हेयर फॉल बहुत ही कॉमन है, हेयर फॉल ही जब ज्यादा बढ़ जाता है तो हेयर लॉस भी कन्वर्ट हो जाता है, और हेयर लॉस का मतलब है कि आपको बॉल्डनेस आएंगे ही आएंगे, या आपका फ्रंट पैटर्न बॉल्डनेस होगा, या आपका क्रॉन एरिया में बॉल्डनेस आएगा यानी कि हेड के मिडिल से, या फिर आपके बैक साइड में भी आ सकता है। वो आपके डाइट पर, आपके न्यूट्रिशंस पर, आपके स्कैल्प की कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो गाइज आज हम जो बात कर रहे हैं हेयर फॉल पे, गाइज हेयर फॉल को हमें सबसाइड करना है। हेयर फॉल किस किस रीजन से होता है गाइज, पहले ये बहुत जरूरी है जानना आपको कि क्या क्या चीज जो हम नहीं करेंगे जिससे हमारा हेयर फॉल नहीं होगा। गाइज रेमेडी तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन कुछ स्टेप आपको खुद लेना पड़ेगा जिससे आप अपने हेयर फॉल को खुद से ही रोकेंगे। मैं तो गाइज मेन मकसद है कि किसी भी प्रकार का आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। आज से ही अपने बालों में ध्यान दिए, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। मैं हर वीडियो पे अपना बोलती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती मैं जो फेस कर चुकी हूँ वो आप फेस करें। तो गाइज आज का वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है क्लोव्स के ऊपर। क्लोव्स का मैंने पर्सनली एक बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड ऑयल शेयर किया हुआ है। क्लोव्स बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है, वो मैंने रोजमेरी के साथ भी शेयर किया गाइज। उसका आज मैं सिर्फ और सिर्फ क्लोव्स के ही बारे में आपके साथ डिस्कस करने आई हूँ। उसका वाटर मैं आपके प्रिपेयर किया है मैंने, और वो बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में, उसको कैसे यूज करना है सुन लीजिए। तो गाइज वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मैं हूँ आयशा और आप देख रहे हैं सेल्फ लव आयशा। तो गाइज करना क्या है सुन लीजिए, आपको लेना है क्लोव्स जिसको हम लोग लॉन्ग कहते हैं। क्लोव्स कैसा होना चाहिए ये गाइज, ये बहुत जरूरी है। आपके क्लोव्स में जो है गाइस फूल होना चाहिए। सिर्फ देखिएगा जो क्लोव्स आते हैं बहुत सारे जिसमें फूल नहीं होते हैं, सिर्फ डंठल होती है, उसका यूज नहीं करना है। जिस क्लोव में फूल लगे होते हैं उसी क्लोव्स का आपको यूज करना है। अब सुनिए कि आपको करना है, आपको ले लेना है 2 टी स्पून क्लोव्स, जितना भी आपके पास है। अगर 20 पीस हो रहा है गिन लीजिए, अगर आपको 2 टेबल स्पून या टीस्पून आपको करने में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप 20 पीस क्लोव, या फिर 25, उससे ज्यादा नहीं, 20 से 25 क्लोव आपको लेना है। उसको आपको इमामदस्ता लेना है, आपको उसको कूट लेना है। जी गाइस क्रश कर रहे हैं क्योंकि हम इसे कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में बना रहे हैं, बार बार कह रही हूँ, नोटिस कर लीजिए इस बात को। तो गाइस उसको अच्छे से आपको क्रश कर लेना है। क्रश हम इसलिए कर रहे हैं ताकि वो उसका जो हम पानी में इसको जब डालेंगे तो ये इसका जो है प्रॉपर्टीज जो है, इसका जो गुडनेस है गाइस, वो ज्यादा से ज्यादा रिलीज हो सके हमारे वाटर में। तो गाइस सुन लीजिए अब करना क्या है, जब आप अच्छे से क्लोव्स को क्रश कर लें उसके बाद गाइस आपको फ्लेम ऑन करना है, और आपको अपने गैस पर एक पतीला चढ़ा लेना है, एक पैन चढ़ा लेना है, और उसमें जो पानी आप पीते हैं, जो कंज्यूम करते हैं गाइज, जो पानी आपको वही पानी लेना है। पानी आप अपने गाइज एक जग के हिसाब से, एक मग के हिसाब से, जैसे मैं अपने दिखा रही हूँ उस हिसाब से आप पानी जो है ऊपर नीचे कर सकते हैं, क्योंकि गाइज हमें इसको एक स्प्रे बॉटल बनाना है। तो एक स्प्रे बॉटल में जितना पानी आता है आप उसका डबल पानी लीजिए अगर आप चाहते हैं तो डबल नहीं, मैं कहूंगी ट्रिपल लीजिए, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में बन रहा है। तो आप स्प्रे बॉटल अगर आपके पास है तो उसके अकॉर्डिंग आप 3 बार उसको भरकर पानी डाल दीजिए। अब गाइज अगर आप ऐसे जगह पे रहते हैं जहां खारा पानी आता है तो गाइज खारे पानी का यूज ना कीजिए, इससे हेयर फॉल होगा आपका। आपको लेना है गाइज, आप कोई भी नजदीकी स्टोर में जाके जो पानी मिलता है 10-20 रुपए में, वो पानी आप ले लीजिए, उस पानी में आप इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो गाइज उसके बाद जब आपका पानी में उबाल आ जाए, बॉयल अच्छा से हो जाए पानी, तब आपको जितना क्रश किया हुआ आपने यहाँ पर क्लोव्स है लॉन्ग है उसको उठाना है और उसको डाल देना है पानी में, वाटर में। एक बॉयल आने दीजिए, फ्लेम को जोर से रखिए, हाई फ्लेम को रखिए, फ्लेम को हाई रखना है जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाए। गाइज जब अच्छे से बॉयल होना आ जाए तो इसमें आपको फ्लेम को आहिस्ते कर देना है, और इसको ढककर 15 मिनट तक, आप घड़ी देख लीजिए, 15 मिनट तक आप इसको स्लो फ्लेम पे गाइस पकाएंगे। आपका पानी आप देखेंगे खुद ब खुद काफी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में आ गया है, काफी रिड्यूस हो गया है। जी गाइस मेरा पानी जो है, देखिए इसका पानी का कलर, आपको आप बीच बीच में उसको खोलकर देखेंगे इसका कंडीशन क्या है। तो गाइस 15 मिनट में 1 से 2 बार आप खोलकर देख सकते हैं, आप ढक्कन हटाकर देखिए, उसको स्टर कर दीजिए, फिर बंद करके रख दीजिए। 15 मिनट बाद गाइस स्विच ऑफ कर दिए फ्लेम का, और लॉन्ग को उस पानी पे रहने दीजिए, ढककर नॉर्मल टेम्परेचर पर आने दीजिए। जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए तो आप स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन करके कोई भी स्प्रे बॉटल में आप इसको रख लीजिए। इसका एप्लीकेशन कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी, पहले सुन लीजिए जो क्लोव्स बचा है उसको क्या करना है। तो गाइज जो आपने इसको तो स्प्रे बॉटल में रख लिया, लेकिन गाइज जो क्लोव बचा है उसको फेंकिए मत,
उसको फेंकिए मत गाइस, क्योंकि मैं अपने हर वीडियो पे जो चीज फेंकना रहता है उसको ही फेंकती हूँ। जिस चीज का हम डबल ट्रिपल यूज कर सकते हैं तो उसको हम यूज करते हैं। जी गाइस, आपने मेरा बहुत सारा वीडियो देखा होगा जिसको मैंने बहुत बार यूज किया है। तो गाइस मैं बता रही हूँ आपको कि यूज कैसे करना है। जो क्लोव्स बचा है आपको, उसमें आपको डालना है 3 ग्लास ऑफ वाटर, उसी पैन में जिस पैन में आपने इसको बनाया है उसी क्लोव में 3 ग्लास वाटर डाल के आप इसको चढ़ा दिए, वापस से फ्लेम ऑन कर दीजिए और इसमें जो है एक उबाल आने दीजिए। उबाल आने के बाद आप आहिस्ते कर दिए, सिर्फ 5 मिनट, ओनली 5 मिनट आपको इसको पकाना है, कुछ रेड्यूस नहीं करना है आपको पानी को। 5 मिनट आहिस्ते फ्लेम पे पकाकर इसको बंद कर दीजिए गैस को और इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दीजिए। जब ये नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा तो आप इसको खोलकर देखेंगे कि आपका पानी कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है। आपने 3 ग्लास पानी दिया था, ये तो ये 3 ग्लास पानी ही रहा है। तो गाइस ये 3 ग्लास पानी जो है आप बॉटल में डालें और डालकर फ्रिज में इसको रख दीजिए बॉटल में भर के। गाइस इसका इस्तेमाल आपको एज अ हेयर रिंस करना है। जब जब आप नहा लेते हैं शैम्पू करने के बाद लास्ट जो वाटर होता है इसी वाटर को आप यूज करेंगे हफ्ते में एक बार। आपने जो ये 3 ग्लास एक बॉटल में भरा है तो गाइस जाहिर बात है आपका एक बॉटल पानी 500 ml पानी बन गया होगा, आधा लीटर पानी हो गया होगा ये। तो इसको फ्रिज में रखिए, जब आपको शैम्पू करना हो तो आप उसको निकाल कर 1-2 घंटा पहले फ्रिज से बाहर रख दीजिए। जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए तो शैम्पू के बाद जब आपका लास्ट हेयर रिंस हो तो इसी पानी से होना चाहिए। इसके बाद दूसरा वाटर आपको नहीं यूज करना है, क्योंकि ये डायल्यूटेड फॉर्म में, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में जो है गाइस वो आपका स्प्रे बॉटल में ऐसा बॉटल में आ जाएगा, लेकिन जो डायल्यूटेड फॉर्म में है गाइस वो जो है वो हेयर रिंस में यूज कर सकते हैं। तो अब गाइस सुन लीजिए कि स्प्रे बॉटल का जो हमने कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में रखा है उसको यूज कितना करना है, कैसे करना है, कब कब करना है, कौन कौन कर सकते हैं, कितने टाइम तक करना है, कितने दिन स्टोर करना है, तो गाइस सब मैं आपको बताने वाली हूँ। इसको गाइज आपको हफ्ते में 3 दिन यूज करना है इस वाटर को, इस स्प्रे को जो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है। जी हाँ, इसको आपको हफ्ते में 3 दिन यूज करना है। कैसे यूज करना है ये सुन लीजिए। अगर आप DIY रेमेडीज करते हुए आ रहे हैं काफी टाइम से, यानी साल भर हो गया है या 6 महीना हो गया है, तो आप इसको ओवरनाइट लगाकर रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुबह उठकर आप कोई भी ऑयलिंग करके आप शैम्पू कर लीजिए और रिंस कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप नए हैं, DIY रेमेडीज ट्राई करना स्टार्ट कर रहे हैं या फिर 1-2 महीना हुआ है आपका स्टार्ट करते हुए, तो आपको इसका एप्लीकेशन 2 घंटे पहले करना है नहाने से। जी हाँ गाइज, इसको आप लगाइए अपने बालों पे, 2 घंटे रहने दीजिए, उसके बाद आप कोई भी ऑयल कर लीजिए। जब ये सूख जाए तो ये 1/2 घंटा 15 मिनट में सूख जाएगा गाइस, क्योंकि इसका इस्तेमाल आपको सिर्फ स्कैल्प पे करना है। जब ये सूख जाए तो कोई भी ऑयल लगाकर आप शैम्पू कर सकते हैं नॉर्मल जैसे करते हैं। तो गाइस इसका इस्तेमाल जो है अब कौन कौन कर सकता है ये सुन लीजिए। अगर आप गाइज नए DIY रेमेडीज ट्राई कर लिए तो ये पॉइंट आपके लिए कि आप इसको यूज करने से पहले पैच टेस्ट जरूर लीजिए। पैच टेस्ट क्या होता है ये भी मैं बता रही हूँ। आप कान के पीछे इस जगह पर थोड़ा स्प्रे एक बार मारकर आप इसको रहने दीजिए 2-3 घंटे में। अगर ये आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं दे रहा है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज ये कोई भी इरिटेशन दे रहा है तो आप इसका इस्तेमाल ना कीजिए। गाइज इसका आप कम से कम 1 घंटा और ज्यादा से ज्यादा आप 2 घंटा लगाइए अगर आप बिगनर है तो। अगर आप DIY रेमेडीज ट्राई करके आ चुके हैं तो आप ओवरनाइट इसको लगाइए, बाल सूख जाए तो ऑयलिंग कीजिए, फर्दर जो करना है कीजिए, इसको नेक्स्ट डे आपको जो है वॉश कर लेना है। और हेयर रिंग्स मैंने आपको बता लिया है जो गाइस डाइल्यूटेड फॉर्म में है, ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है, तो इसे हम एज अ हेयर टोनर, एज अ हेयर टॉनिक जो कह लीजिए आप वैसे ही यूज करना है। लेकिन जो डाइल्यूटेड फॉर्म में गाइस उसे हम एज अ हेयर रिंस यूज करने वाले। जब जब शैम्पू कर लेते हैं शैम्पू के बाद आपको हफ्ते में 1 दिन, 3 बार शैम्पू करते हैं लेकिन 3 बार नहीं यूज करना है, 1 बार यूज, हफ्ते में 1 दिन ही इसका हेयर रिंस करें आप। उसके बाद गाइज आप 2 बार, जब जाहिर बात है कि आप शैम्पू तो हफ्ते में 1 दिन नहीं करेंगे, आप 3 दिन करेंगे या फिर 2 दिन करेंगे, तो 3 दिन में जो लास्ट डे होता है उसमें आप हेयर रिंस इसका कर लीजिए। बाकी फर्दर 2 दिन जो है गाइज वो आप अनियन पील का कर लीजिए या फिर आप राइस वाटर का कर लीजिए, जैसा आप कंफर्टेबल हो वैसे ही आप हेयर रिंस कर सकते हैं। अब गाइज आ जाता है कि इसको स्टोर कितने दिनों तक कर सकते हैं। तो गाइज इसको स्टोर करना है आपको फ्रिज में, और जब जब आपको इसको यूज करना है आपको फ्रिज से बाहर निकाल देना है। जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए तभी आपको इसका यूज करना है।
उसके बाद गाइज सुन लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि इसको कितने दिन तक स्टोर करना है। गाइज इसका सेल्फ लाइफ जो है ज्यादा होता है, इसको आप महीनों भर यूज कर सकते हैं, महीनों तक, एक महीने तक आप स्टोर कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगी कि 15-15 दिन में आप इसका बैच बनाएं और इसका इस्तेमाल कीजिए। आप इसको कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में बना रहे हैं तो गाइज इसका यूज जो अच्छा से होगा, लेंथ पर इस्तेमाल ना करें, सिर्फ स्कैल्प पे ही गाइज इसका इस्तेमाल होगा, लेंथ पे नहीं होगा। तो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में रहेगा तो गाइज आप अगर आपके घर में 2 अजन है, 3 अजन है, तो मतलब 3 लोग है अगर इसका रेमेडी का यूज कर रहे हैं तो आराम से गाइज ये 2 हफ्ता चल जाएगा। अगर आप चाहें तो महीना भर भी यूज कर सकते हैं, खराब ये नहीं होगा। लेकिन अगर आपको ज्यादा हेल्दी वे में नजर आना है, रिजल्ट लाना है, तो आप 15-15 दिन में गाइज इसका फ्रेश बैच बना लिए। अब इसको यूज कितने दिनों तक करना है ये सुनिए गाइज, इसका यूज जो है आपको 3 महीनों तक करना है कंटिन्यू वे में, यानी कि हफ्ते में 3 दिन करके आपको 3 महीना तक यूज करना है। उसके बाद आप फर्दर दूसरे रेमेडी पे स्विच कर सकते हैं, क्योंकि गाइज एक रेमेडी 3 महीने तक जब असर करता है, उसके बाद जब आप कोई भी दूसरा फर्दर रेमेडी लेते हैं तो गाइज उसका असर ज्यादा होता है। एक रेमेडी आप कंटिन्यू ज्यादा दिन तक यूज करते हैं तो उसका रिजल्ट जो है वो कम विजिबल आपको नजर आएगा। गाइज फिर दूसरा रेमेडी कीजिए, तीसरा रेमेडी कीजिए, फिर से आप ये क्लोव वाटर को आप स्टार्ट कर दीजिए। तो ऐसे ही करते करते गाइज गैप लेना पड़ता है हमें, ताकि हमारा स्कैल्प को जो है समझ में आए, क्योंकि गाइज ये एक स्पाइस है और ये काफी स्ट्रांग स्पाइस है। इसका मैंने ऑयल भी आपके साथ शेयर किया है। तो गाइज जब ये आप ये हेयर वाटर जब वाटर यूज कर रहे हैं तो उसके साथ क्लोव्स ऑयल का यूज ना कीजिए। जब आप वाटर का इस्तेमाल कर ले, यानी 3 महीनों तक इसका इस्तेमाल हो जाए, फर्दर कोई रेमेडी अगर आप कर रहे हैं तभी उसमें कोई ये ऑयल जो मैंने आपको बताया है 10 ड्रॉप, वो ऑयल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लोव इन्फ्यूज ऑयल का गाइज। लेकिन इसके साथ आप क्लोव ऑयल का इस्तेमाल ना कीजिए, काफी स्ट्रांग हो जाएगा रेमेडी, क्योंकि हमारे बालों को आदत नहीं होती है। तो गाइज ये एक स्पाइस है, यानी कि ये एक मसाला की कैटेगरी में आता है हमारे इंडिया में या हर जगह ही आप बोल दिए ये एक मसाला है, ये एक स्पाइस है। तो गाइज ये बहुत ही स्ट्रांग होता है हमारे हेयर के लिए, तो ये हमारे हेयर में जितनी भी तरह के फंगस है पहले ये उसको क्योर करेगा, डैंड्रफ आ गए तो उसको क्योर करेगा, देन वो हेयर ग्रोथ में आपका मदद करेगा। तो स्टेप बाय स्टेप ये काम करता है, ग्रेजुअली इसे होने दीजिए। आप सोचेंगे कि आज रात में लगाया सुबह में बाल आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा। पहले ये आपके स्कैल्प को हेल्दी करेगा, देन गाइज ये हेयर ग्रोथ में वर्क करेगा, लेकिन असर जरूर करेगा क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग रेमेडी है। तो गाइज वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, तो मैं शॉर्ट में इसको आपको बता रही हूँ कि ये बहुत फायदेमंद है। इसको आप बच्चे यूज ना कीजिए, 15+ है आप तो यूज कर सकते हैं, 80 उम्र तक यानी 80 साल तक आप इसे यूज कर सकते हैं, 90 है तो भी यूज कर सकते हैं, कोई अर्ज नहीं। प्लस गाइज ये आपके बालों के पिगमेंट को भी पकड़ के रखता है, यानी कि आपके बालों को सादा होने नहीं देता। हाँ, एजिंग में अगर हो रहा है तो अलग सी बात है, ऐसे नॉर्मली सादा होने नहीं देगा। तो गाइज वीडियो अच्छा लगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और जो जो महिला बॉल्डनेस के शिकार हो चुकी है या होने वाली है उस तक मेरा वीडियो जरूर पहुंचाइए। क्योंकि गाइज मैं झूठ नहीं बोलती, इसीलिए मैं किसी से नहीं डरती, मैं अपना पूरा जर्नी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और जो मेरा बचा बाल है वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ, और जो बाल आएगा वो आपके साथ ही आएगा, क्योंकि ये जर्नी में आप मेरे साथ हैं, मेरे हिम्मत बनकर, मेरा सपोर्ट बनकर। तो मिलती हूँ अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए और स्ट्रेस ना लीजिए। बाय।